जिंदगी हजारों ख्वाबों के साथ अनगिनत रंगों से भरी होती है। ये जिंदगी जो कभी खुशियों के पलों का एहसास दिलाती है तो कभी बेदर्द दुनिया से सामना भी कराती है। ऐसे ही कड़े इम्तिहान से गुजरकर अपना मुकाम हासिल करने वालों में से दो नाम है सागर जी शिंदे और मधुकर जाधव जी का। संगमनेर जैसे छोटे गांव में पले बड़े सागर जी शिंदे बचपन से ही महत्वाकांक्षी थे। एमबीए करने के बाद उन्होंने बड़े शहरों में नौकरी करने के बजाय संगमनेर में ही काम करना पसंद किया, लेकिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी में वो खुश नहीं थे। टारगेट, बॉसिंग और बहुत सारे प्रेशर के साथ इमरजेंसी में छुट्टी भी नहीं मिलती थी। इसी दौरान सागर जी की शादी हो गई थी। नए दाम्पत्य जीवन के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। शादी के कुछ दिनों बाद पत्नी सोनाली जी को किडनी स्टोन की तकलीफ होने लगी। ऑपरेशन के दौरान सारी सेविंग्स खत्म हो गई। छुट्टियों की कमी और काम के प्रेशर से सागर तंग आ चुके थे। इसी वजह से उन्होंने नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारा कर्जा लिया था, लेकिन कई महीनों के स्ट्रगल के बावजूद बिजनेस ठप हो गया। इसी के चलते घर के हालात भी बिगड़ने लगे। आखिर उन्हें घर छोड़ना पड़ा। जीवन की यही रीत है, पेट भरने के लिए सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता। इसलिए पत्नी सोनाली का मंगलसूत्र बेचकर नई शुरुआत करनी पड़ी। किराए के मकान में पार्लर चलाकर सोनाली जी ने भी जमकर साथ दी, मगर घर चलाना इतना आसान नहीं होता। पैसों की किल्लत जारी थी। इसी दौरान सागर जी ने अलग अलग कंपनी में काम किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सागर जी और उनके दोस्त दीपक जी सावंत और मधुकर जी जाधव के जरिए कृषि धारा का नाम सामने आया। काम की शुरुआत हुई और पहले महीने में ही 1,00,000 का पेआउट सेट हुआ। उनका पहला सपना साकार हुआ स्पोर्ट्स बाइक के रूप में। कृषि धारा के माध्यम से घर का सपना भी साकार हुआ और हुंडई इओन कार भी मिल गई। अगले कुछ महीनों में पत्नी को मंगलसूत्र भी वापस दिलाया, घर का जरूरी सामान लेने के साथ बाहर का कर्जा भी चुकाया। इन सभी खुशियों में सागर जी ने माता पिता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही गोवा टूर भी अचीव किया, जहां कृषि धारा ने सभी विनिंग लीडर्स को बाय प्लेन गोवा की सैर कराई। सागर जी का काम जोर पकड़ रहा था और उनके काम के मंथली बोनांजा में उन्हें कृषि धारा से फुल पेड बुलेट बाइक और रेडमी फोन भी अचीव हुआ। ऐसे ही असाधारण चमक और डायनेमिक पर्सनालिटी के मालिक है मधुकर जी जाधव। साधारण से किसान परिवार में जन्मे मधुकर जी शुरुआत से ही बड़े महत्वाकांक्षी थे। घर के हालात की वजह से उन्हें बचपन से ही काम करना पड़ रहा था। उन्हीं हालात में मधुकर जी के पिता का देहांत हुआ। अब सारी जिम्मेदारी मधुकर जी के कंधों पर आ गई थी। ऐसे में सातवीं कक्षा की पढ़ाई अधूरी छोड़कर उन्होंने काम की शुरुआत की। खेती काम, पेंटिंग, पंडाल लगाना, ट्रैक्टर चलाना, ऐसे काम से वो अपना गुजारा करने लगे। दिन बीतते चले गए। मधुकर जी एक कंपनी में मार्केटिंग का जॉब करने लगे। इसी दौरान मधुकर जी की शादी हो गई। कुछ सालों बाद नन्ही जिया का जन्म हुआ। जिम्मेदारी और भी बढ़ गई, लेकिन कमाई का जरिया कम पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने अलग जगह पर काम करना शुरू किया। यहीं पर मधुकर जी और सागर जी शिंदे की मुलाकात हुई। साथ काम करते हुए पहचान अच्छी दोस्ती में बदल गई। इसी के साथ कृषि धारा कंपनी का भी नाम सामने आने लगा। काम की शुरुआत हुई और पहले ही महीने में 1,00,000 का पेआउट सेट हुआ। काम बढ़ता चला गया, तरक्की की राह करीब से नजर आने लगी थी। कृषि धारा के हर पेआउट के साथ बाइक, हुंडई कार और घर का भी सपना पूरा हुआ। गोल्ड ज्वेलरी, घर का जरूरी सामान भी अब शोभा बढ़ाने लगा था। मधुकर जी का काम जोर पकड़ रहा था। कृषि धारा के माध्यम से विनिंग लीडर्स को बाय प्लेन गोवा टूर भी अचीव हुई। काम और तरक्की का सिलसिला यूं ही बढ़ता चला गया। आज की स्थिति में सागर जी शिंदे और मधुकर जी जाधव ने कृषि धारा में 25,000 ज्वाइनिंग की है और फॉरेन टूर भी अचीव किए हैं।
साथ ही कृषि धारा के फर्स्ट डायमंड होने का सम्मान भी हासिल हुआ है। The first two diamonds of कृषि धारा। मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 माँ के पेट से मरघट तक है। सागर जी शिंदे और मधुकर जी जाधव के इस तूफानी जज्बे को हमारा सलाम। दंगल दंगल।